जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस भर्ती 2021 के बारे में, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे और ये भर्ती आपकी कांस्टेबल एंड SI के पदों पर निकाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वेबसाइट चेक कर पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसके ऊपर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर jobsgyan सर्च करना है। सर्च करने पर ये वेबसाइट आपको पहले वाली ओपन कर लेनी है। फिर आप यहां पर होम पेज पर आ जाओगे, जहां पर आपको टुडे बेस्ट जॉब से बिहार पुलिस स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2021 को ओपन कर लेना है। अगर ये यहां पर नहीं देखने को मिल पा रही है तो आपको यहां पर सर्चिंग में बिहार पुलिस स्पोर्ट्स कोटा को सर्च करना है, फिर आपको इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। यहां पर आप जैसे कि रीड कर पा रहे हो, और मैंने आपको बताया भी कि बिहार पुलिस स्पोर्ट्स कोटा, जिसका मतलब ये हो जाता है कि इसमें स्पोर्ट्स कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकाली गई है। जो आपकी पोस्ट है वो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की है। टोटल पोस्ट आपकी 106 है। अप्लाई करने का तरीका आपका ऑफलाइन रहेगा, आप इसको ऑनलाइन माध्यम में नहीं भर पाएंगे। जॉब लोकेशन आपकी बिहार रहेगी और कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं या फिर डिग्री की योग्यता मांगी है। इसके अलावा दोस्तों एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। जो आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है वो URBC EBC EWS के लिए 700 रुपये है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और आप ये देख भी पा रहे हो कि ये फीस काफ़ी ज़्यादा है। SC ST के 400 रुपए फीस रखी है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा करनी है। आप लोग इस फॉर्म को 10 जुलाई 2021 से लेकर के 9 अगस्त 2021 तक भर पाएंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। फिर यहां पर दोस्तों आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट में किस कैटेगरी में किसके लिए कितने निकाले गए हैं। यहां पर ऊपर कांस्टेबल की वैकेंसी डिटेल है और नीचे सब इंस्पेक्टर की। जो आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी है उसमें मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट बिना फ्लाई 81 सेंटीमीटर और फ्ला करके 86 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। SC ST मेल में हाइट 162 सेंटीमीटर रखी है, चेस्ट सेम रहेगी। फीमेल में हाइट 155 सेंटीमीटर है और SC ST फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है। फीमेल में चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है और SI की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है। एप्लीकेशन फीस यहां पर आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन आपका कैसे किया जाएगा उसके बारे में जानकारी हिंदी में दी गई है, आप ये जानकारी रीड कर लीजिए। नीचे आपको अप्लाई करने का तरीका बताया, बट अगर आप चाहेंगे कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अब नीचे आप यहां पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पर आपको इंपोर्टेंट डेट्स और जो जानकारी मैंने अभी आपको दी है उसकी जानकारी दी जा रही है। नीचे आपको इसी नोटिफिकेशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा मिल जाएगा, जो कि आपको डाउनलोड करके फिलअप करके दिए गए एड्रेस पर लास्ट डेट से पहले सेंड करना है। तो अगर आप चाहेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है, तो मैं आपके लिए कमेंट के अनुसार उनको चेक करके वीडियो बना दूंगा। तो ये थी दोस्तों आपकी बिहार पुलिस स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।